सपना जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका नया वेंचर वजीर परफ्यूम लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बस मैं बहुत खुश हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज जो इंटरनेशनली लाइव है इस पे मेरा परफ्यूम का आज ऑफिशियल लॉन्च है, इसके लिए आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड। बहुत खुशी है मुझे नगमन और आदित्य जो ये मैन ऑफ द वर्ल्ड के CEO मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे ये चांस दिया आज कि मैं मेरा परफ्यूम यहाँ लॉन्च करूँ। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। परफ्यूम की बात करें तो किन फ्रेग्रेंस में आने वाले हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल्स? अभी तीन फ्रेग्रेंस आए हैं, ग्लाइड, ग्लैमर एंड सेंसेशन। सबसे पहले सेंसेशन लॉन्च हुआ, फिर ग्लाइड और ग्लैमर। अभी अगले महीने मेरे दो और फ्रेग्रेंसेस आ रहे हैं और साथ ही साथ सेंटेड सोप्स, कैंडल्स, ये सब आ रहे हैं। आपने ऑनलाइन बताया है तो ये ऑनलाइन किस पर? ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब पे अवेलेबल होगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। ओके, परफ्यूम के लिए देखा जाता है कि कोई ना कोई नोन फेस होता है, तो क्या वजीर परफ्यूम के लिए भी कोई नोन फेस होने वाला है, उसके बारे में कुछ रिवील करना चाहिए? नहीं, मैंने ये परफ्यूम एक स्टॉप करो, मैं क्या बोलूँ भाई, आई हैव लॉन्च दिस फॉर अ नोबल कॉज, तो इसके लिए मुझे कोई बोल सकती हूँ ना, वॉट एवर आई वॉन्ट। हाँ पूछिए फिर। तो नॉन फेस की जहाँ तक बात होती है, जब भी हम परफ्यूम की बात करते हैं तो कोई ना कोई नॉन फेस उसके पीछे होता है, तो क्या वजीर परफ्यूम्स के पीछे भी कोई नॉन फेस होने वाला है? नहीं, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि ये एक नोबल कॉज के लिए है, दिस इज़ नॉट अ मनी मेकिंग बिजनेस। मैंने ये सिर्फ लॉन्च किया है गरीब बच्चों की मदद हो जाए, इसलिए मैंने इसको बहुत इकोनॉमिकल भी रखा है ताकि हर इंसान इसको अफोर्ड कर सके। तो फिलहाल इसको मैं कोई नॉन फेस के साथ रिलेट नहीं करूँगी। इस परफ्यूम को, वेंचर को आपने अपना नाम भी दिया हुआ है, सपना वजीर जी। कहीं ना कहीं आपके नाम के साथ में कई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है जी, तो आपको लगता है कि उसका असर आपके इस वेंचर पे आने वाला है? इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मैं एक नोबल कॉज के लिए कर रही हूँ, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो न्यूज़ में आए वो हर बात सच हो। ये मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मेरे पास्ट में, ये मैं मेरे नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ करने वाली हूँ। मेरा वेब सीरीज़ आ रहा है, मैं अभी इस समय प्रोडक्शन हाउस का और एक्टर्स का नाम रिवील नहीं कर सकती, बट इन माय नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस एवरीबडी विल कम टू नो माय स्टोरी। कुछ शेयर करना चाहेंगे, वो एक्सपीरियंस किस तरह का था, वो काला दिन? जेल का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, हर एक घंटा कई महीनों की तरह लगता था, हर एक पल कई घंटों की तरह लगता था। 164 दिन जेल काटा है मैंने, लेकिन इस बात का गवाह बाइकला जेल का हर पुलिस वाला, अगर आप अभी भी चले जाएंगे, 2 साल पहले का ये किस्सा है, अभी भी आप मेरा नाम लेके वहाँ पूछेंगे तो वो सिर्फ ये बोलेंगे कि ये औरत 164 दिन सिर्फ जेल में रोती रही और कुछ नहीं। लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे वजीर परफ्यूम को लेकर? बस यही कहना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ एक मेरे दिल में एक उम्मीद थी, सॉरी, मेरे दिल में एक चाहत थी कि मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ करूं, और इसी माध्यम से जो भी बिक्री होगी ये गरीब बच्चों में जाए, इसकी कमाई, और मेरा नाम भी रहे इसमें, मेरा स्वार्थ भी है क्योंकि मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। सो अगर कोई भी वजीर परफ्यूम लेगा तो इस परफ्यूम के नाम से एटलीस्ट मेरा नाम उनको याद आएगा, ये मेरा पर्सनल स्वार्थ इसमें सिर्फ यही है। थैंक यू। कैन यू शो मी व्हाट यू? सपना जी, एक बहुत बुरा दौर आपके ज़िंदगी में बीता है, अगर उन दिनों की बात की जाए और उस केस की बात की जाए,
जिसमें अमूमन जल्दी लोगों को बेल तक नहीं मिलती है, लेकिन आपको 164 दिन में बेल जो है वो जज की ओर से मिल गई थी, तो क्या रहा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था और क्या था पूरा मामला, अगर कुछ शेयर करना चाहें? मेरे ऊपर जितने भी सेक्शंस लगाए गए थे वो सब बेलेबल थे एक्सेप्ट 1306A विच इज़ पनिशेबल अप टू डेथ, सीनियर सिटीजन का किडनैप, मुझे तो गाड़ी चलाने नहीं आती है और इन सब बातों से मैं अनजान हूँ, लेकिन जेल में रहते रहते जिस पुलिस ऑफिसर ने मेरा चार्जशीट देखा और पढ़ा तो वो बोले सपना तुम 2 साल के पहले तुमको बेल मिल ही नहीं सकती है। सो वो बात से मुझे बहुत मायूसी होती थी, लेकिन मैं यही इंतज़ार में थी कहीं ना कहीं मेरा चार्जशीट जब आएगा, 90 दिन लगते हैं चार्जशीट आने में, कहीं ना कहीं माई एडवोकेट वॉज मोबिन सोलकर इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एडवोकेट्स, मुझे मेरे एडवोकेट ने कहा था कि वॉट एवर स्टोरी यू हैव टोल्ड मी इफ दैट इज़ द ट्रूथ आई विल गेट यू बेल्ड आउट 1 or 2 हियरिंग्स मैक्स, एंड दैट इज़ वॉट हैपेंड एक्चुअली। सेकेंड हियरिंग के लिए भी नहीं गया, वो फर्स्ट हियरिंग में ही मुझे बेल मिल गई, बावजूद इसके कि 2 साल तक इसकी सुनवाई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जज को भी लगा होगा कि मैं फंस चुकी हूँ इसमें, लेकिन गणपति बापा ने मुझे बाहर निकाल लिया। मामला कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्या मामला था वो? ये तो बहुत बड़ा किस्सा है, मामला क्या शेयर करूँगी। मेरी दोस्त को मैंने अपने घर में पनाह दी, जिसके साथ उसका रिलेशन था उससे मैं अनजान थी, और जब वो मुझे उनके बारे में कंप्लेंट करती थी तब मैंने सिर्फ उस आदमी को फ़ोन करके बोला कि अगर तुमने ये लड़की के साथ धोखा किया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी, दैट इज़ ऑल। और वो आदमी कोल्हापुर का रहने वाला है, ही इज़ अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, शुगर फैक्ट्रीज है उसकी, और उनकी क्या दोस्ती थी पुलिस वालों से, उन्होंने किस तरह मुझे ट्रैप किया मुझे नहीं मालूम। दे जस्ट कॉल मी टू CCD कि आप आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं, आपकी दोस्त को भी लाइए। उसने उसको झूठे वादे किए थे कि मैं तुम्हें घर दिलाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा पर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और फिर उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तब वो मेरे पास रोते रोते आके शिकायत करने लगी कि दीदी आप मेरी कुछ हेल्प करो। तो मैंने नॉर्मल कॉलिंग से ही उसको कॉल करके बोला कि अगर तुमने इस लड़की के साथ कुछ भी गलत किया, बिकॉज शी वॉज़ ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा और बॉम्बे में स्ट्रगलिंग कर रही थी वो, तो मैंने कहा कि मैं इसको तुम्हारे घर लेके आऊँगी, मेरे पास तुम्हारे घर का एड्रेस है। तब उसने मुझसे कहा नहीं नहीं मैं सपना जी आपको मिलता हूँ, 18 नवंबर का डेट दिया था मैं, हम मिलके इसको सॉर्ट आउट करेंगे, और मैं वो लड़की को जो वादा किया था घर दिलाने का, आप उसको भी लेकर आइए, मैं उसको घर भी दिखा दूँगा, आपके सामने एग्रीमेंट भी रजिस्टर करा दूँगा। मैं ये सोच के उसको लेकर गई, लेकिन वो लड़की के दिल में उस समय क्या था मैं नहीं जानती थी, मैं तो वहाँ चली गई लेकिन वो गाड़ी से भाग गई, तो इसके लिए मुझे अरेस्ट हो, पुलिस ने उस समय भी कहा कि तुम्हारी पार्टनर कहाँ है, मैंने कहा वो गाड़ी में है, तो वो गाड़ी में कहा कि नहीं है, तो वो तो वहाँ से भाग गई थी। मैं जेल काट ली 164 दिन बाद, और वो फरार रही 10.5 महीने के बाद, उसको अपने वकील ने कहा होगा कि अभी तुम अरेस्ट हो जाओ, मैं तुमको बेल दिला दूंगा, इसलिए कि एक ही मामले में दूसरे आरोपी को सज़ा नहीं मिल सकती है, ज़्यादा देर तक तुमको हम रहने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी उसने 2 महीना जेल काटी, हमने 164 दिन जेल काटी, उसने 2 महीना काटी, बस यही बात था। बहुत कुछ क्राइम ब्रांच वालों को मालूम चला मेरे रिमांड के समय, जिसमें जो बातें से मैं भी वाकिफ नहीं थी, जो मेरे लिए भी नई नई बातें थी, तब पुलिस को कहीं ना कहीं लगा था कि मैं भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट बिकॉज इट वॉज़ अ प्लान्ड ट्रैप, तो पुलिस ने मेरा घर तोड़ा, मेरे वैल्यूबल्स ले लिए, मेरे घर के बर्तन ले लिए, चांदी के बर्तन तक किचन से निकलवा लिए,
मूर्तियाँ चांदी की वो भी निकाल ली है। मेरे हस्बैंड ने जब पूछा कि आप कोई सर्च वारंट लाए हो, आप कैसे एंटर कर रहे हो घर में, तब मेरे हस्बैंड को भी धमकी दी गई कि अगर तुमने पुलिस का साथ नहीं दिया तो तुमको भी हम इस केस में अरेस्ट कर लेंगे। तब मेरे हस्बैंड लाचारी से खड़े रहे और जो कुछ हुआ देन इट इज़ हिस्ट्री, जो भी हुआ। बट कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच वालों के दिल में ये बात ज़रूर है कि उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, और मैं सज़ा देने वाली कोई नहीं हूँ। मेरा गणपति बापा उनके लिए काफ़ी है। मेरे गणपति बापा ये इंसाफ ज़रूर करेंगे और बहुत ही जल्द मेरे केस की सुनवाई में सबको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या थी, और मेरे वेब सीरीज़ में भी पता चल जाएगा। जो मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, सपना कौन है, सपना ऐसी कैसी हुई, कैसे बनी इतनी, मैंने भी बहुत संघर्ष करके जीवन में ऊपर आई हूँ, बहुत तकलीफ़ मैंने भी देखी है, लेकिन मेरी नीयत साफ थी इसलिए मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया और मैं आज इस मकाम पे हूँ कि मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। क्राइम ब्रांच ने जो कुछ किया उसका मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि जो कान दिन में कम से कम 100 बार मम्मी सुनते थे, आज 2 साल से 1 बार भी नहीं सुन पाए। मेरे बेटे ने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए इसलिए कि मैंने गलत लोगों के साथ दोस्ती रखी। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि मेरी मम्मी अगर इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होती तो आज जेल नहीं गई होती। हमारा सब कुछ, मेरे बेटे की मर्सिडीज़, उसकी दूसरी गाड़ी सब ले गई, गले तक का चेन उतार के ले गई। तो मेरे बच्चे ने बहुत ट्रॉमा सहन किया है इस 2 सालों में। मेरे बच्चे ने 6 महीने में 63 kg वज़न लूज़ किया इसी टेंशन में। तो जो कुछ भी किया, मेरा धन दौलत जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। जो मेरे नसीब में होगा तो मुझे फिर मिल जाएगा, लेकिन वो माँ बेटे का रिलेशन छीन लिया मुझसे क्राइम वालों ने। 2 सालों में कभी कोशिश की बात कर देगी? बहुत बार कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है शायद इसीलिए, लेकिन एक दिन मुझे विश्वास है किसी न किसी कोई ना कोई फरिश्ता ज़रूर आएगा जो उसके दिल में रहम डालेगा और उसको सच्चाई का सामना जब होगा तब शायद वो मेरे पास लौट आएगा। मैं सिर्फ इसी दिन का राह देखती हूँ, इसीलिए मेरे घर वाले होने के बावजूद मैं अपने आप को आज अनाथ समझती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे हस्बैंड से अच्छे ताल्लुकात है और ना ही मेरे बेटे से। वो आए नहीं आए, जजमेंट तो आ जाएगा, वो मैं उनके साथ ही रहती हूँ, हम साथ ही रहते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जजमेंट आएगी, मुझे मालूम है कि मेरे हक में आएगी क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, और मैं बहुत प्राउडली अपने आप के लिए ये बोलूँगी कि आई एम सपना वजीर एंड आई एम नॉट अ क्रिमिनल।